So the legend is back. R11 INS Vikrant. This is the older In world. 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The Today new this is Vikrant is an recorded. expression of India's aspirations. The flagship of Atmanirbhar Bharat. Self reliant India. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. Shipyard On her very first sortie, Vikrant achieved full power and called Green Deck conducting over 20 helicopter landings aircraft carrier vikran's sensors and weapons include advanced air surveillance radars surface to air missiles and close in weapon systems Excellent When embarked, her air squadrons will provide three dimensional capability to this floating fortress. Floating the reach fortress. and power of both ship and aircraft are matched by her motto We defeat those who dare to fight. We defeat those who dare to fight. Powering Vikrant are not only 24,000 kilowatts, but a charged up crew of 1,600. 1,600. It's a floating city. Now because it is a city, it has got all the facilities as well. mm. पावर आई एन एस विक्रांत आई एन एस विक्रांत सो आई एन एस विक्रांत का इंडक्शन हो गया है टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे इज फर्स्ट सेकेंड सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टेक योर वर्क सीरियसली नॉट योर सेल्फ लाफ एट योर सेल्फ एज मच एज यू कैन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स

टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली कंडोइट का होता है मतलब पाइपलाइन पाइपलाइन अ चैनल फॉर कन्वेइंग वॉटर और अदर फ्लूड सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए ये सी सेट के दो सवाल हैं डेली बेसिस पे इन दो सवालों को आप सॉल्व करिए एग्जाम आएगा तो आप जीएस पेपर टू के प्रति बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे सो दिस इज क्विज जनरल मेंटल एबिलिटी एंड दिस इज क्विज नंबर टू आज क्विज एम सी क्यू के सवाल हैं पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन बी रिकोगनाइज एज नेशनल पार्टी पार्टी इफ इट हैज स्टेट स्टेटस इन एट लीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स? हु हुईज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टू बी ऑफिशियली रिकोगनाइज बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा और कोलिशन ऑफ पार्टीज मस्ट मेंबर्स the ninth schedule to the indian constitution was added by which amendment and 52nd caa constitutional amendment act is related to what so these are five questions for today aaj ke for answer writing can government servants express their views on law governance what should be the way forward what should be the way forward प्रिपेयर तो अच्छा नोट इन दिजर्व प्रिपेयर है मैप भी बनाना है और अपने आंसर को इस वेबसाइट पर आपको सबमिट करना है सबमिशन नाउ दिस इज सोशल मीडिया क्या आप जानते हैं सोनपुर पशु मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार या फिर गुजरात सोनपुर पशु मेला एक पुष्कर का मेला भी होता है वो किस राज्य में है ये भी बताइए ये है बालूचरी साड़ी इस विश्व प्रसिद्ध साड़ी का निर्माण पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर और मुर्शिदाबाद में होता है रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में संबंधित छवियां यहां पर उकेरी जाती है देन द हाइस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स अवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस हार्मनी इज रिक्वायर्ड अभी चल रहा है सितंबर सितंबर का मतलब है पोषण माह हर जीवन हो पोषण से रोशन तो सितंबर फर्स्ट टू तो सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण वीक भी है लेट अस ट्राई लेट अस ट्राई लेट अस टेक दिस चैलेंज एवरी वन ऑफ अस लेट अस टेक दिस चैलेंज कि ये जो मंथ है सितंबर का मंथ है इसमें गुड फूड इनटेक करना है हेल्थी डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करना है और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है लेट अस ट्राई टू हैव दिस चैलेंज और देखते हैं सितंबर के एंड तक अगर हम ये चैलेंज फुलफिल कर पाते हैं यू विल सी रिमार्केबल डिफरेंस इन योर ओवरऑल हेल्थ और अच्छी हेल्थ मतलब अच्छी बॉडी और अच्छी बॉडी का मतलब होता है स्टडी फुल थ्रोटल दैट इज वी ऑल हैव टू डू सो लेट अस टेक दिस चैलेंज हेल्दी डाइट लेना है इस पूरे एंटायर मंथ ऑफ दिस सेप्टेम्बर में डाइट मतलब वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए से सिट्रस फ्रूट्स में जैसे विटामिन सी होता है वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है बीटा कैरोटीन होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर होता है कर्ड इज अगेन एक्सेलेंट सोर्स जिससे गट बैक्टीरिया रेगुलेट होता है आयरन एंड जिंक का लेग्यूम सोर्स होता है मिलेट्स मल्टीपल माइक्रो एंड फाइबर होता है इंटरनेशनल मिलेटर कौन सा है टेल और फिश में भी जैसे वाइटामिन ए ई और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं सो ऑल वी हैव टू डू इज टेक अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट इन दिस एंटायर मंथ प्लस अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज गेस द नेम ऑफ दिस ट्रेडिशनल पपेट थिएटर फॉर्म क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये जो पपेट थिएटर फॉर्म है ये क्या है इसका नाम क्या है ये जो पोषण माँ है तो इसमें बच्चों की हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के कि इसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ये ईजीली डाइजेस्टेड होता है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता इसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती है देन मदर मिल्क में रिड्यूस होता है द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन डेवलपमेंट लो वर द रिस्क ऑफ से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सो दु ब्रेस्ट मिल्क है दिस इज लाइक अमृत फॉर दिस इन फॉर चाइल्ड सो दिसनिफिट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हमें पता होना चाहिए सो दिस इज पोशन मा सेप्टेंबर इज पोशन मा नाउ लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज पेपर आंसर राइटिंग सबमिशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो देखेंगे एंड आज जो प्रलिम्स का क्लास होगा आज हम पढ़ेंगे दिस इंडिया का फॉरेन ट्रेड और जो इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर भी है इकोनॉमिक सर्वे का एक्सटर्नल दिस एक्सटर्नल सेक्टर इसमें इंडिया क्या इंपोर्ट कराता है एक्सपोर्ट कराता है ये सारा भी आज मैं कंप्लीट करा दूंगा और मेंस में वी विल ट्राई कि आईआर का मैक्सिमम पोर्शन इंटरनेशनल रिलेशन का मैक्सिमम पोर्शन आज कंप्लीट हो जाए सो दिस इज जी एस टी रेवेन्यूज क्रॉस दन पॉइंट फोर लैक करोड़ मार्क वंस अगेन दिस इज रियली गुड जीएसटी क्या होता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स ने बहुत सारे जो अनदर टैक्सेस थे इनडायरेक्ट उसको सब्ज्यूम कर लिया जीएसटी की स्लैब्स होती है और जो जीएसटी है इसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसने स्ट्रीमलाइन कर दिया था पूरे टैक्सेशन सिस्टम को जीएसटी के इनिशियली फेज में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें चेंजेस हुए और मॉडिफिकेशनस हुए तो एक हारमोनी एस्टैब्लिश होता नज़र आ रहा है अब देखो कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के टाइम पे ये नंबर ग्राफ कम हो गया था जीएसटी कलेक्शन इवन फोर्स मेजर भी करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब जो कंपनसेशन देना था स्टेट्स को जीएसटी लॉस का वो प्रोवाइड करने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि फोर्स मेजर है अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के कारण बट अब अगेन कलेक्शन बेटर हो रहा है सो दिस इज समाइन ऑफ रिलीफ सिक्स सक्सेसिव मंथ है जब जीएसटी ने वन लाख करोड़ का मार्क क्रॉस किया है तो ओवरऑल दिस इज रियली गुड इससे एक और चीज पता चलती है और वो पता चलती है बॉयंसी बॉयंसी ऑफ टैक्स तो व्हाट इज टैक्स बॉयंसी टैक्स बॉयंसी ये होता है बॉय का मतलब क्या होता है तैर रहा है पानी में ऊपर तैर रहा है तो टैक्स बॉयंसी का मतलब है कि वो डूब नहीं रहा है ऊपर वो फ्लोट होके ऊपर की तरफ जा रहा है

रेट ऑफ taxation. मतलब compliance भी बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी के एम्बिट में भी आ रहे हैं और जीएसटी कलेक्शन राइज हो रहा है इकोनॉमी राइज हो रही है जीएसटी भी राइज हो रहा है सो दिस इज टैक्स बॉयसी टैक्स buoyancy. ओके tax buoyancy. Okay, बाकी जीएसटी हमने कई बार इस पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया है क्रिटिकल एनालिसिस भी कुछ टाइम बाद इसको फिर से हम रिविजिट करेंगे बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी अपबीट हैं जैसे यहाँ पे एक टर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मल्टीपल टाइम्स ये मैंने आपको बताया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यू एक्सप्लेन इन इन सिंपल फ्यू वर्ड्स व्हाट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नाउ सी जब हम किसी चीज को बताते हैं तो राइटिंग में भी प्रिसीजन होना चाहिए और एक शॉर्टनेस होना चाहिए गागर में सागर टाइप कम शब्दों में आप पी को अच्छे से कैसे लिख सकते हो ट्राई

एडिटोरियल. फर्स्ट एडिटोरियल एज स्लो इम्प्रूवमेंट अगेन इकोनॉमी में जैसे 1.4 लाख करोड़ प्लस जीएसटी कलेक्शन हुआ गुड थिंग इट इज एन इंडिकेटर कि इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक इंप्रूवमेंट हो रहा है बट दिस इंप्रूवमेंट इज स्लो फिजकल अथॉरिटीज शुड स्पर कंजम्पशन कंजम्पशन बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं ताकि फास्टर रिकवरी हो डिलेड रिकवरी नहीं हो तो लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट है वुड इन नॉर्मल सरकमस्टांसिस बी अ कॉज फॉर चीय तो जी जी डी पी के नंबर अब वापस नॉर्मल दिख रहे हैं Which is a really good thing, which was very much required. But the problem is abhi bhi headwinds hai headwinds hai jaise ki global recession ka abhi bhi time hai global recession is still out there. Ukraine war bhi abhi end नहीं हुआ है। Plus world economy में भी थोड़ा slowdown नजर आरा है। Inflation जो है, वो भी erode करती है consumer के confidence को। So these are headwinds. Headwinds मतलब plane takeoff करने में difficulty दे रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारे सेक्टर्स का तो इसमें कुछ एक्सपेंशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 26 प्रतिशत से ग्रो हुआ बट कुछ सेक्टर्स में दिस कॉन्ट्रेक्शन भी हुआ है ये जो जीवीए होता है ये जीवीए हम यूज़ करते हैं जब हमें जीवीए हम यूज करते हैं जब सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर वाइज हमें इकोनमी का डेटा बताना होता है तो कुछ सेक्टर में एक्सपेंशन है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर यूटिलिटी सर्विसेज फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विसेज इसमें एक्सपेंशन है सम सेक्टर में दिस एक्सपेंशन uh, नहीं हुआ है तो लॉग्ड एक्सपेंशन दिस एंड दिस क्वार्टर अब प्रॉब्लम ये होती है कि वी नीड एम्प्लॉयमेंट इकोनमी के नंबर तो बढ़ने चाहिए बट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें होना चाहिए अब मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होता है एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग में कंस्ट्रक्शन में और कॉन्टेक्ट इंटेंसिव ट्रेड में होटेल्स में ट्रांसपोर्ट मतलब सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सेक्टर में और यहाँ आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कॉन्ट्रेक्शन हुआ है सो दैट इज वाई ये हेडविंड्स है कुछ जगह अच्छा हुआ कुछ जगह खराब हुआ और जिस जगह खराब हुआ वो मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर्स है सो दिस इज अ प्रॉब्लम कंजशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का जरूरी होता है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर भी एक काइंड ऑफ बुलवर्क है वो इंडियन पॉलिटी की बुक में पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत में कई बार ये शब्द लिखा हुआ इसका है इसका मीनिंग बताइए बुलवर्क ऑफ द इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं ये एक एसेंशियल बुलवर्क है ऑफ द इकोनॉमी वट इज इट्स मीनिंग टेल सो द दईडिया इज दिस फाइनेंस जो है प्राइवेट सेक्टर का वो भी जरूरी है बिकॉज ये काइंड kind ऑफ of एक हैज है सेफ करेगा ये बोथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक प्रॉग्जी देखा जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट आता है क्राउड का। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे अपना पैसा लगाता है और ये श्रेंक हुआ है ये कम हुआ है विच इज अगेन नॉट राइट थिंग इस बार का जो मानसून है इसने भी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्स किया है एरेटिक स्कैटर शॉट पैटर्न रहा है टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न कुछ जगह पे फ्लड्स भी आ गए इससे पेडी और पल्सेस का भी ग्रोइंग एरिया इम्पैक्ट हुआ है फार्म आउटपुट में भी इम्पैक्ट आया है कंज्यूमर स्पेंडिंग रूरल हिंटरलैंड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर इज़ गॉड एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है उस पैसे को एक्सपेंड करते हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं और उससे हिंटरलैंड डिमांड आता है ये डिमांड अब की बार सब sub, subdu, sub, हो सकती है। सो दिस अगेन वन थिंग। तो मोमेंटम कुछ कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस आर बी आई नीडिंग टू इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को टेम करो ओनस है पे अब देखो, का का काम नहीं है आरबीआई लाती है मॉनिटरी पॉलिसी और जो गवर्नमेंट लाती है वो लाती है फिजिकल पॉलिसी तो आर टारगेट कर रही है इन्फ्लेशन को बट गवर्नमेंट को यहाँ पे कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए सो दिस इज अ टेक ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अब देखो इकोनॉमी ऐसे ही पढ़ी जाती है इकोनॉमी कोई ट्रेडिशनल बुक से पढ़ने का इतना यूटिलिटी होता नहीं है न्यूज़पेपर में जो इस टाइप से हम पढ़ते हैं इकोनॉमी ये मोर देन सफिशिएंट है ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नाउ दिस इज रेवर्ट टू द मीन अब यहाँ पे एक और डिस्टर्बिंग न्यूज है और वो है वॉयलेंट क्राइम सूसाइड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेवल पे आ गए हैं पैंडेमिक के कारण चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है ये एक वरिंग ट्रेंड है वॉयलेंट क्राइम्स जैसे कि रेप किडनेपिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन रॉबरीज एंड मर्डर्स इनक्रीज हुए हैं प्री पैंडमिक लेवल पर आ गए हैं ये एन सी आर बी की बुक है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट उसने ये बताया तो क्राइम हैं यहाँ पे प्लस जो ओवरऑल क्राइम रेट है वायलेंट क्राइम इंक्रीज हुआ है ओवरऑल क्राइम रेट इधर थोड़ा डिक्रीज होता नजर आया है क्यों बिकॉज केस रजिस्टर्ड अंडर और पब्लिक ऑर्डर रिलेटिंग टू द लॉकडाउन क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर किए गए थे केसेस रजिस्टर किए थे अगर लॉकडाउन को आपने तोड़ा है एटसेट्रा लॉकडाउन के कारण लोगों का कांटेक्ट भी कम हुआ बाहर भी कम आए वो तो उससे भी अगेन क्राइम कम हुआ बट अब वापस क्राइम राइज होने लग गया है तो वॉयलेंट क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं और इसमें जो चार्ज शीट रेट है वो कम हुआ है मतलब पुलिस ने पूरा केस बना के उनको प्रेजेंट किया और फिर वो केस बना के प्रेजेंट करके उनको दोषी पाया गया ये रेट भी कम हुआ है तो दिस इज आल्सो वन ऑब्जर्वेशन बाकी ओवरऑल जो क्राइम है इसको कम करना इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस बोथ दूसरा जो डिफिकल्टी यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है साइबर क्राइम का बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरलैंड से अब इंटरनेट से एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेट से एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेट प्रेजेंस बढ़ रहा है उनका फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है तो दे आर एट टाइम्स टारगेटेड बाय दिस साइबर फ्रॉड्स साइबर फ्रॉड्स विद मोर पीपल इन रूरल एरिया यूटिलाइजिंग डिजिटल सर्विसज फॉर फाइनेंशियल परपजेज़ साइबर क्राइम्स यहाँ पर इंक्रीज है ऑन द राइज है सो साइबर एक्टिविटी के लिए भी गवर्नमेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज साइबर क्राइम्स में क्या होता है जो वीकेस्ट लिंक होता है ना वो अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं होता वो एंड यूजर होता है टेक्नोलॉजी काफ़ी रोबस्ट होती है बट एंड यूजर मिस्टेक करता है और फिर सच टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं सो so, इसके लिए टेक्नोलॉजी साउंड हो बट साथ ही साथ जो एंड यूजर है उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है यहाँ एक बात है अकेडमी रिसर्च एंड द ग्लास सीलिंग इन इंडिया मैंने आपको कुछ ही दिन एक आर्टिकल लिखने को बोला था आंसर लिखने को बोला था कि जो पेट्रीआर है या फिर ये इस टाइप का माइंडसेट है ये बहुत इनग्रेन है इंडियन सोसाइटी में इसको सिस्टेमेटिकली किस तरीके से करेक्ट किया जाए कई बार हम देखते हैं हमारी बातों में हमारे शब्दों में हमारे स्टेटमेंट्स में कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली भी हम पेट्रियारी वहाँ पे पेट्रीआरकल माइंडसेट इस चीज़ को दिखाते हैं जेंडर इनसेंसिटिवनेस दिखाते हैं जेंडर इनसेंसिटिवनेस दिखाते हैं विच इज़ अगेन नॉट राइट तो द आइडिया इज अकेडमिया रिसर्च और ये जो ग्लास सीलिंग है ग्लास सीलिंग जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको अड्रेस करना ज़रूरी है हम एक वर्ड यहाँ यूज करते हैं उस वर्ड का नाम है जेंडर पैरिटी जेंडर पैरिटी तो द आइडिया इज द ट्रू जेंडर पैरिटी इज वेन इंस्टीट्यूशन कंसिडर विमेन एज एसेट विमेन एज एसे रादर दैन इट बींग जस्ट अ डायवर्सिटी रैक्टिफिकेशन इशू सो दिस इज नॉट लाइबिलिटी दिस इज एसेट विमेन एज एसेट तो द आइडिया इज इस पूरी सोच को भी हमें बदलने की जरूरत है जेंडर इश्यूज हैं पर्टिकुलरली जेंडर इनिक्वालिटी है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है पढ़ाई में अकेडमिया में हायर एजुकेशन में होने इवन जॉब्स में होने लग जाता है इवन अ पर्सन एज क्वालिफाइड से यूपीएससी पी एस फिर वो जब वो आई एस बन के पोस्टिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है सो दिस इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक इशू दिस इज़ वेरी सिस्टमैटिक इशू और इसको सिस्टमैटिकली ही एड्रेस करने की ज़रूरत है तो द आइडिया इस पूरे आर्टिकल में प्राइमरली बात किया है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी इक्वल वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आईटी हो चाहे वो आर्म फोर्सेस हो चाहे वो जुडिशरी हो ऑनरेबल जुडिशरी हो स्पेस साइंटिस्ट हो एवरीवेयर ह्यूमैनिटीज से साइंस से लेके एवरीवेयर वीमेन आर इक्वली केपेबल वेमेन आर इक्वली केपेबल सो द आइडिया इज चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो साइंटिस्ट हो या फिर सोसाइटी हो या फिर इवन पार्लियामेंटेरियन हो पार्लियामेंटेरियन हो या फिर विधायक या सांसद हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और इस ग्लास सीलिंग को भी तोड़ना जरूरी है इस ग्लास सीलिंग का सिस्टमैटिक जो जो बायसनेस दिखती है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है तो द आइडिया इज़ कि इसमें एनकरेज करें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स बिकॉज काम करेंगे तभी तो सीखेंगे आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे सो हाउ वुड दे लर्न तो दैट इज़ वाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है सो दैट फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट बन पाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपॉर्चुनिटीज़ मिले ये ग्लास सीलिंग नहीं हो Encouraging the participation of women in the workforce in the private sector with adoption of various schemes for women being long ago when compared to initiatives government of India jaise ki kuch schemes aap bol sakte ho flexi और work time ho जैसे अगर कोई इंटरिम ब्रेक लिया है मैटरनिटी ब्रेक लिया है तो वापस रिज्यून करने का प्रोविजन होना चाहिए तो these provisions should be there these provisions should be there जेंडर इक्वालिटी पैरिटी तभी होगा जब हमारा माइंडसेट बदलेगा माइंडसेट बदलना जरूरी है इंस्टीट्यूशंस का भी और इंडिविजुअल्स का भी कंसिडर सिंपली अ डाइवर्सिटी रेक्टिफिकेशन इशू सो अगेन अ वेरी पावरफुल आर्टिकल थॉट प्रोवोकिंग दिस वी ऑल नीड टू फॉलो द बिग पिक्चर टेक अवेज फ्रॉम चाइनाइवान अभी चाइना के सारे तंत्र चल रहे हैं लेट इज नॉट गेट इन टू इट हमने बेसिक्स ताइवान पढ़ लिया क्या है ताइवान चाइना का वन चाइना पॉलिसी भी देख लिया लेट लेटेस्ट वेट एंड वॉच ये और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कैन सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉ गवर्नेंस कई बार क्या होता है जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो ऑब्वियसली सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में एनकरेज आइडियली ऐसा किया जाता है यू हैव टू बी एनोनिमस यू हैव टू बी एनोनिमस ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के नाम पर आप पॉपुलर हो रहे हो

पोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्ट होता है तो क्या होता है ऑल दो वो सोशल मीडिया में लिखता तो है ब्रैकेट में कि से दिस ब्रैकेट में लिख दिया बट द पॉइंट इज जो ऑर्डिनरी यूज़र है वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट इस पर्सन person का पर्सनल है या फिर इस पर्सनल के बजाय गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है ये गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर पाएगा इसको जज और उससे क्या होगा मिक्सअप हो जाएगा बहुत ज्यादा कि व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड व्हाट इज द पर्सनल बिलीफ ऑफ दिस पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज आल्सो इन से गवर्नमेंट जॉब्स सो द पॉइंट इज सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं तो क्या वो ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज लॉ में या फिर गवर्नेंस के रिलेटेड वो अपने जो व्यूज है बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट तो क्या वो व्यूज ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया पर ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा अभी आज की डेट में बना हुआ है सोशल कंडक्ट ऑफ दिस कंडक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो एक्चुअली क्या होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है यहां भी बात हुआ था कि आपको आपको किस तरीके से अपना पब्लिक कंडक्ट रखना है पब्लिक कंडक्ट रखना है फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सुजाता राव मैम ने लिखा है आप रिटायर्ड आई एस ऑफिसर है आपने यहाँ पे लिखा कि द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच हर किसी को फ्री स्पीच का अधिकार है अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि ऐसा नहीं हो कि आपके जो स्पीच है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो वायलेंस कर रहे हैं या फिर वो फुल ऑफ हेटरेड है नो no. देन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और वो क्यों है ताकि स्टेट की सोवर्निटी इंटरनेशनल रिलेशंस हेल्थ मोरालिटी एटसेट्रा हम मेनटेन कर पाए आपको राइट टू ट्वीट भी है आपको राइट टू ट्वीट भी है बट वेन यू अंडरटेक अ गवर्नमेंट सर्विस यू यू सब्जेक्ट योर सेल्फ टू सर्टेन डिसिप्लिनरी रूल्स रूल्स ट प्रिवेंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ अपॉलिटिकल रहना आपको सीखना चाहिए अपॉलिटिकल रहो बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच ए नेचर एक्सप्रेसिंग हर्सल फ्रीली विद रिगार्ड टू एनीट हेज टू डू विदर्नेस ऑफ दी यू है तो ये जो चीज है अब इसमें भी यही बात होता है कि उसमें वो जो रेखा है लक्ष्मण रेखा वो कहाँ ड्रॉ की जाए किस एक्सटेंट तक अलाउड है किस एक्सटेंट तक अलाउड नहीं है ये अभी अभी एक डिबेट का एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है अगर हम आज की डेट में केवल रूल की बात करें तो रूल नाइन बोलता है रूल्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स बोलता है रूल नी स्टेटमेंट और फैक्ट और ओपिनियन विच हैज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिजम ऑफ एनी करेंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सो अब बात आती है क्या ये आर्टिकल नाइनटीन का वॉल्यूशन तो नहीं हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ये अभी डिबेट चल रहा है और इसी पे रिलेटेड मैंने आपको एक सवाल भी दिया है आपको क्या लगता है कैन सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉ एंड गवर्नेंस व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए तो द आइडिया इज एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी नहीं हो जैसे फौज में बड़ा क्लियर पॉलिसीज़ वगैरह भी होता है सोशल मीडिया कंडक्ट एट्सट्रा हमें किस तरीके से कंडक्ट करना है या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देना है लाइक दैट सो ऑर्डिनरी जो सिविल गवर्नमेंट जॉब्स हैं यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए क्रिएटिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अबाउट पॉलिसीज तो इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी हेल्प होगा और ओवरऑल जो कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी सोवर्निटी है सच अन टूवर्ड थिंग्स भी हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी सो हाउ शुड अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट कंडक्ट होना चाहिए इन सोशल मीडिया सोशल मीडिया में सो अगेन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में अभी इवॉल्व होता है बट आज की डेट में इस पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है अभी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है इनका क्या कंडक्ट होना चाहिए सोशल मीडिया में दिस इज अगेन अ क्वेश्चन अननोन सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन एफ आई ट्वेंटी वन केस अगेंस्ट स्टेट मेटा टेक्स एक्शन चाइना में कोविड नाइन्टीन और आई लोन टू श्रीलंका आई लोन टू श्रीलंका यहाँ बात है सिंगल यूज प्लास्टिक्स का और सी दिस इज अ वेरी कॉमन साइट जो हमें हर जगह देखने को मिलता है दिस इज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक व्हाट आर सिंगल यूज प्लास्टिक्स हाउ डू दे इम्पैक्ट द एन्मेंट एंड वॉट आर रूल्स एंड ऑल्टर अवेलेबल ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा है मैंने पूरा स्क्रीन शॉट लगाया है इसको एक बार आप देखना सिंगल यूज प्लास्टिक हमने कुछ टाइम पहले देखा था अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल अप्लाई किया अगस्त 12 2021 में इसमें क्या था इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कंट्रीज टेकिंग स्टेप्स टू कर्ब प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन बहुत सारा प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंक देते हैं कचरे में फेंक देते हैं उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है बाकी जुलाई फर्स्ट से इंडिया ने बैन कर दिया है मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जो जस्ट हम यूज एंड थ्रो कर देते हैं उसका बैन कर दिया है आपने बिकॉज ये बहुत एक बहुत बड़ा वेस्टेज बन रहा है इसका वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन रहा है तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली में भी इंडिया ने इसको बताया था हम इसको फॉलो करेंगे 124 नेशंस ने यहाँ पे इसको साइन कर दिया है और ये अग्रीमेंट इन फ्यूचर लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन टू डिस्पोजल आप उसको कैसे एड्रेस करोगे सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों हार्मफुल होता है एक तो बहुत इससे वेस्टेज क्रिएट होता है इसका डिस्पोजल बहुत बड़ा डिफिकल्टी है बिकॉज दिस इज नॉट री दिस इज नॉट री एज वेल दिस इज सिंगल यूज और ये सब चला जाता है फूड चेन में भी आ जाएगा डंप्स हो जाएंगे पॉल्यूशन होगा तो इसीलिए प्लास्टिक स्टिक बलून प्लास्टिक फ्लैग कैंडी स्टिक आइसक्रीम स्टिक थर्मोकोल जो फोक होता है स्पून नाइव ये सब सिंगल यूज जो था हमने बैन कर दिया तो इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए बिकॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्लास्टिक से होता है प्लास्टिक कई बार बर्न भी हो जाता है तो वेस्ट गैसेस टॉक्सिक गैसेस निकलती है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर है ये या और डिटेल में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक के किस माइक्रोन का अलाउड हो किसका नहीं हो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा लाइन ऑफ थॉट यही होना चाहिए वी नीड टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक जो उतना ही अफोर्डेबल भी हो बिकॉज यू नो आप जस्ट लाइक दैट अगर बैन कर दोगे तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होगा जैसे आई आज टॉकिंग टू वन से जैसे सब्जी वाला है या फिर आप देखो जैसे डेयरी में है या फिर कोई रेडी लगाया हुआ है स्ट्रीट वेंडर है प्लास्टिक इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कन्वीनियंट होता है चीपर भी होता है ड्यूरेबल भी होता है और स्ट्रोंगर भी होता है अगर आप इसको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो आप वो बहुत डिफिकल्टी फेस करेंगे इसको रिप्लेस करने में सो द आइडिया इज वी हैव टू रिप्लेस द प्लास्टिक बट एट द सेम टाइम हमें टेक्नोलॉजी साइंस इनोवेशन भी करें ऑल्टरनेटिवस फाइंड करने के लिए जो इतने ही सूटेबल रहे प्लास्टिक के प्लास्टिक के जैसे

टोटल बैन ऑफ प्लास्टिक ग्रेट है बट इसका फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगा और बहुत डिफिकल्टीज भी क्रिएट होंगी सो वॉट वी शुड डू इज फाइन और ग्रेजुअली कैसे प्लास्टिक को हम फेज आउट करें जैसे अभी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था आयरन ओवर माइनिंग कर्नाटका में बट अब इसको थोड़ा रिलैक्स किया है तो दिस इज बल्लारी चित्रदुर्गा एंड टुमाकुरू में वापस अभी अलाउड होगा तो द रीज़न इज़ कि अब यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग है वो कम हो गया है प्लस इससे माइनिंग एक्टिविटीज़ बंद होती है सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकॉनमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है और फिर डिफिकल्टी आने लग जाती है और यहाँ आयरन रिजर्वस भी काफ़ी ज़्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट अगेन ये बोल रही है एनवायरमेंट भी बचाना है और इकॉनॉमी भी बचाना है तो इलीगल माइनिंग जो है इलीगल माइनिंग ज़्यादा ज़्यादा डेट्रीमेंटल होती है environment के लिए बिकॉज इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सट्रा नहीं होता वरना नॉर्मल जो माइनिंग होती है ना इसमें तो फिर आपको कैंपा भी करना पड़ता है कंपल्सिटरी फॉरेस्टेशन करना पड़ता है लाइक दैट तो इलीगल माइनिंग को हम पहले टारगेट करके बैन करें और जो लीगलाइज है उसको यहाँ पे रिज्यूम करें ये अभी स्टैंड है आयरन ओर इंपॉर्टेंट है आयरन ओर इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ मैंने एक मैप भी लगा दिया है ये सब इम्पोर्टेंट आयरन ओर के रिजर्व है जिसे रत्नागिरी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ये चिकमंगलुरु का रीजन दिस इज बेल्लारी ये यह यहाँ साउथ में एक बेल्ट हो गया फिर यहाँ भी आयरन ओर के काफी रिजर्व है यहाँ पे भी आयरन ओर के काफी रिजर्व है है ना आयरन ओर डिपॉजिट्स एंड माइंस इन इंडिया सो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है कि आपको आयरन ओर जो है वो फाइंड करना है एक अच्छा सा मैप बनाना है एक शॉर्ट नोट बनाना है आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है आयरन ओर और से आयरन माइंस कहाँ पर है

उड़ान ये उड़ान क्या है टेल वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस उड़ान अदानी एंड अमेजॉन पे एंड पेट्रोल सेल भी हुआ है। यूएस का ए आई चिप एक्सपोर्ट बैन में हिट चाइना टेक यूनिट अब सी चाइना के साथ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है सो लेटे सी अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं पेट्रोल पेट्रोल पे टैक्सेशन लगता है एक तो लगता है वैट और एक लगता है एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है और वैट कौन लगाता है टेल सेंटर और स्टेट में एक्साइज एंड वैट स्पोर्ट्स इंडिया अब खेल रहा है एशिया कप में सो so ये आज का न्यूज पेपर है लेट अस सी जैसे आपको जापान का मैंने बनाने को बोला था मैप तो ये गूगल अर्थ मैप होता है एप्लीकेशन है दिस इज रियली गुड एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करो आप अपने मोबाइल में और ऐसे देखते रह करो जैसे ये जापान के ये आइलैंड्स है इट इज लाइक एन आर्क आर्क है फेस्टून है ये दिस इज चाइना दिस इज कोरिया सो दिस इज जापान दिस इज जापान और आपको इसी पे और आपको इसी पे और आपको इसी पे एक नोट तैयार करना था अब सी ये है अपने आपे हैं आंसर्स जो आपने यहाँ सबमिट किए हैं अगेन वेरी गुड आंसर्स पहला पेट्रे पे था और दूसरा जोग्राफी ऑफ जापान में ऑल राइट सो दीज आर रियली गुड सबमिशन सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं मैं क्विकली आपको इसका एक ओवरव्यू बताता हूँ यू ऑल आर एन एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन बस इसको मेंटेन करो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आंसर राइटिंग बस बेसिक सीख लिया जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिफाइनमेंट होगा और एक दूसरे की कॉपी भी देखते जाओ

और अगेन आंसर राइटिंग कुछ लिखने की प्रैक्टिस भी होगी वंडरफुल दिस इज अवर पर्पज शुभम सी दिस इज अगेन गुड पेज आई थिंक जम्बल हो गए दिस इज पैट्री आरकी देखो पैट्री आर की क्या होता है पैराग्राफ में बताया उससे रिलेटेड डेटा बताया है ना फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए वेरी गुड सोशोलॉजी में इस टाइप की अप्रोच हम लिख सकते हैं वेरी गुड दिस इज अगेन गुड सो अगेन हमें क्या करना है हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ना है इक्विटी होना चाहिए वहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ जापान मैप शुरू में ही है बहुत अच्छी बात है देन ये सारे मिनरल वेल्थ अब एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए जैसे मिनरल वेल्थ हो गया ना अब आप एक दो पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में एक प्रॉपर कंक्लूजन करके इसको एंड करो एक प्रॉपर एंडिंग करो ठाकुर दिस इज अगेन रियली गुड अब देखो कितना अच्छे से ये बनाया वेरी गुड देन इनक्वालिटी के फॉर्म क्या है अंडरस्टैंडिंग क्या है बड़ा मेच्योरिटी के साथ हमें सिलेबस के विद इन रहकर ये आंसर फ्रेम करना है इक्वल राइट्स पॉलिटी लिखो एटसेट्रा वेरी गुड जोग्राफी ऑफ जापान मैप शुरू में बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे एम सो हैप्पी अब देखो ये पूरा मैप देखा आपने अच्छे से पढ़ा वेरी गुड सारे पॉइंट्स भी बना दिए देन दिस इज अबाउट दिस इज नेक्स्ट वन पेट्री पे अपने व्यू पॉइंट्स बताए अब देखो ये स्टाइल इज गुड सोशल इनइक्वालिटी ओवरऑल जो टोन है हमारा वो यही होगा कि जो है दिस जेंडर इनसेंसिटिवनेस जो दिखाते हैं वो सही नहीं है अर्चना योर हैंडराइटिंग इज सो गुड वेरी गुड हैंडराइटिंग एंड दिस स्टाइल इज ऑल्सो गुड दिस इज सच अ गुड क्वालिटी वर्क वेरी नाइस देन ये आपने पॉइंट्स बताए सारे हेडिंग सब हेडिंग किया तो सी हमारा पूरा जापान जोग्राफी तैयार हो गया वेरी गुड दिस इज वेरी एलैबोरेट एक्सिलेंट कॉपी रूहानी इसको हम जब स्कैन करते हैं ना तो थोड़ा सा लाइट में करें ना तो और अच्छे से यहाँ पे आएगा सनलाइट में करें तो क्लैरिटी बहुत होगा और पहले थोड़ा फोकस करना है ऑटो फोकस एक होता है और उसके बाद टैप करो तो एकदम ब्लर नहीं होगा क्लैरिटी आएगी ओके दिस इज रियली गुड अब देखो यहाँ पे अपने पॉइंट्स बताए सोशल पेट्रियॉर्की से रिलेटेड क्या चीजें हैं वेरी गुड देन जोग्राफी ऑफ जापान मैप भी बना दिया मैप में ना यहाँ पे आईलैंड के नाम भी साइमल्टेनियसली आप लिख दो तो। देन सी दिस इज रियली गुड वेरी गुड कॉपी माउंटेन्स वॉल्केनोस तो सी जापान हमारा प्रिपेयर हो गया जोग्राफी ऑफ जापान सतेंद्र अब नाउ सी कितना अच्छा कॉपी हो गया है आपका आई एम सो हैप्पी अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेंस में यू आर रियली रियली गुड वेरी गुड तो इसी तरीके से हेडिंग सब हेडिंग और एक एटलस भी खरीदना है उसमें है सारी चीजें आप देखते चलो शगुफ्ता यू आर अगेन डूइंग रियली गुड एक एटलस जो मैंने आपको बताया था उसमें ये सारी चीजें देखते चलना है गूगल अर्थ भी साइमल्टेनियसली देखना है देन पैट्रियार की बहुत जरूरी था ये टॉपिक बहुत जरूरी है आज के टाइम पे सेंसिटाइज करना जरूरी है जेंडर पैरिटी गजानन दिस इज गुड अब गजानन ने मराठी में आंसर लिखा है तो दिस इज रियली गुड आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आंसर लिख सकते हैं बट आंसर लिखो आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मेंस में डिफिकल्टी आती है इसलिए आंसर लिखना बहुत जरूरी है ये नहीं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया फिर उसी लूप में फंस गए नो नेहा दिस इज अगेन रियली गुड सी सो गुड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक अपर्णा आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा हेडिंग सब हेडिंग ज्यादा करें हम हेडिंग सब हेडिंग छोटे छोटे हेडिंग एंड दिस इससे क्या रेंज होगा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि एक ही थीम पे हम बहुत एक्सटेंड कर दिए ज अगेन रियली गुड मैप वर्क भी प्रिपेयर हो गया वेरी गुड वेरी नाइस कीर्ति अगेन वेरी नीट एंड क्लीन वर्क मैप वर्क भी बहुत अच्छा हैुड पूजा दिस इज अगेन गुड पेट्रियर की क्या होता है आप देखो पॉइंट वाइज बताया अलग अलग थीम्स पिक किया वेरी गुड सोशल डोमेस्टिक वायलेंस कोविड का एंगल गवर्नमेंट स्कीम वेरी होल जम आंसर वेरी होल्जम आंसर अमित वेरी गुड आ, नहीं डिप्रेशन नहीं होना है हमें हमें जितना एक्शन करेंगे ना उतना ही डिप्रेशन कम होता जाता है अब डेली करो डेली आंसर लिखो देखना ये डिप्रेशन गायब हो जाएगा एक्शन आते ही डिप्रेशन चला जाता है तो एक्शन ज्यादा करना चाहिए हमें एक्टिव रहो खूब पार्टिसिपेट करो आंसर लिखो लाइव क्लास में आओ सब अच्छे से करो पढ़ाई करो है ना वेरी गुड कितना अच्छा आंसर है देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी वेरी गुड यहाँ पे आपने कोर्ट से स्टार्ट किया वेरी गुड अप्रोच इज रियली गुड मैप भी है डायग्राम भी है यहाँ पे दो कॉलम भी बना दो साइड में ऐसा मार्जिन का फिर इसको पैट्रीआर की हेडिंग सब वेरी गुड कितना अच्छा आंसर तो आप लिखते हो दिस इज रियली गुड बस पार्टिसिपेट करो ऐसे लिखो देखो लिखने से कितना अच्छा समझ में आया ना हम बहुत ज्यादा वीडियो 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 देखते रहते हैं तो उससे बहुत एंट्रोपी क्रिएट होती है और एनजाइटी आती है इतना वीडियो नहीं देखना है जो देखा है उसको डाइजेस्ट करना है हाथ से लिखना है जितना आप लिखोगे ना उतना ही देखना है सब टाइप ऑफ डिफिकल्टीज दूर हो जाएंगी जो राइट राइट एंड राइट मूड अमरजीत दिस इज अगेन गुड देखो कितना अच्छा हिंदी में लिखा है दिस इज वेरी गुड वेरी नाइस एंड वेरी गुड दिस इज हेडिंग सब हेडिंग दिस स्पेसिंग एंड ऑल दिस इज सो गुड वेरी गुड अमनदीप दिस इज अगेन रियली गुड आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है खूब पढ़ाई करो कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा है Really तैयारी कर रहे हो रियली गुड really, really बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्वालिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब अच्छे से देखना है आदिति वंस अगेन क्वालिटी वर्क जोग्राफी ऑप्शनल दिस इज गुड वेरी नाइट जैपैन इज इम्पॉर्टेंट और ये सारे हमें नोट्स भी लगाने हजिंदर दिस इज अगेन रियली गुड कैसे टेकल करें कॉन्क्लूशन वेरी नाइस देन जापान वेरी आपने बहुत एलैबोरेट मैप बनाया टोपोग्राफी पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया नंदनी दिस इज अगेन रियली गुड आपका कंटेंट भी अच्छा है और दिस क्वालिटी वर्क है अप्रोच इज रियली रियली गुड मेच्योरिटी है वेरी नाइस देन मैप वर्क भी अच्छा है वेरी गुड एड्रेस दिस इज नेचुरल सी ये एक्स्ट्रा चीजें काफी हेल्प करेंगे आपको जैसे आपने यहाँ कर दिया अब इनको घुमाना नहीं है पेजेस रिवाइज अच्छे से करना है आशा वंस अगेन क्वालिटी वर्क आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इसी तरीके से कंटिन्यू करना है ऑलराइट डिस्प्यूटेड आईलैंड वगैरह अब देखो प्रेजेंट एक लेयर भी लगाया आज की डेट में स्ट्रैटेजी आई का वेरी गुड सैमवल दिस इज अगेन गुड आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी है पैट्रे आर ओवरऑल जो टोन है वो यही रखना था और एक हॉलिस्टिक रखना था गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब भी मेंशन करना था सतेंद्र ये बड़ा सेंसेटिव टॉपिक था बड़े अच्छे से लिखा है ये जो भेदभाव है ना ये जो बचपन से हम डाल देते हैं इसको दूर करने की जरूरत है वेरी गुड दमन दिस इज अगेन रियली गुड कितना अच्छा आंसर है योर वर्क इज ऑल्सो रियली रियली गुड आई एम वेरी हैप्पी क्लाइमेट एंड अब इसमें करंट अफेयर्स भी थोड़ा जो जो हमने पढ़ा है अभी करंट अफेयर्स जापान का वंस अगेन अब देखो मैप वर्क पूरा तैयार हो गया तो हम ऐसे ही कर रहे हैं हम एक टॉपिक देख रहे हैं उससे रिलेटेड थ्री सिक्सटी डिग्री सब पढ़ लेते हैं और उसको लिख लेते हैं तो वो बैंक भी हो जाता है कंसोलिडेट हो जाता है वेरी गुड राम नरेश दिस इज अगेन रियली गुड आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिखते हो इन सबको रिवाइज भी करना है जो भी आंसर्स है ना जैसे आज का मैप देखो कितना अच्छा है वेरी गुड कुछ ही टाइम पे ये सारी चीजें ना टिप्स पे याद हो जाएगी आपको और मैपिंग तो एक दो सवाल आते ही है हर साल बड़ा अच्छा जाएगा आरती दिस इज अगेन रियली गुड बहुत टिक टू द पॉइंट दिशीजन होता है आपकी कॉपी में दिस इज रियली गुड मुस्कान दिस इज अगेन वेरी नाइस वेरी गुड दिस इज गुड माउंटेन्स वोज डेमोग्राफी वेरी नाइस देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन अब देखो ये चार्ट इज गुड की कॉजेज बताए तो हमने उसको अच्छे से एनालाइज किया कैसे हम दूर कर सकते हैं एंड वे फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बातें है दिस इज अ वेरी गुड कॉपी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके

पेट्रीआरकी के कॉजेज क्या होते हैं रीजन आप एक दूसरे की कॉपी भी पढ़ा करो आपको बहुत बेनिफिट होगा और जहां जो अच्छी चीज दिख रही है उसको सीखते जाओ है ना देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वेरी गुड सुमन यू आर अगेन वेरी वेरी गुड अर्चना पेट्री पे आपने लिखा पेट्री वेरी गुड एंड दिस इज प्रियंका प्रियंका भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है हॉलिस्टिक है वेरी नाइस nice. ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है कीर्ति दिस इज अगेन गुड पेट्री आर्की का अच्छा अप्रोच है ऐसे ही पैराग्राफ्स में ही लिखना था अलग अलग व्यू पॉइंट बताने थे यहाँ पे गुड अभी जैसे लेटेस्ट प्रेसिडेंट मैम का पे दिया वेरी नाइस शालिनी मैप बनाया इसको ना ऐसे आप रोटेट करके पोस्ट करो ओके तो पढ़ने में आसानी रहेगी इसे प्रियंका दिस इज अगेन गुड बैटर अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है शुरुआत में ही बता दिया वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी इनोवेटिव दिस इज रियली गुड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम ये सारी स्कीम्स सब नोटेड डाउन ये सब बहुत अच्छी स्कीम्स है सो so, ये सारे सबमिशंस थे आई एम वेरी हैप्पी मैं सारी कॉपी देखूंगा बट आप लिखो लिखो बिकॉज फाइनल सलेक्शन भी तो चाहिए हमें सो दैट इज वाई लिखना बहुत जरूरी है आई एम विद यू राइट राइट एंड राइट मोर ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ